हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी न्यूज। आज हम इस वीडियो में ओशिनोग्राफी में कोरल रीफ के बारे में जानेंगे, जिसे हिंदी में प्रवाल भित्ति कहते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। प्रवाल भित्तियां एक प्रकार की चट्टान होती हैं जो समुद्र में पाए जाते हैं। ये चट्टान प्रवालों के खोलों से और डालोमाइट से बने होते हैं। ये खोल कैल्शियम कार्बोनेट के होते हैं। जब ये खोल धीरे धीरे इकट्ठा होते हैं, तब उनसे कोरल रीफ बनती हैं। अब जानते हैं प्रवाल क्या है। प्रवाल एक प्रकार के छोटे समुद्री जीव होते हैं। इन्हें कई नामों से जाना जाता है, जैसे मूंगा, मिर्जान और प्रवाल। ये मूंगे लाखों करोड़ों की संख्या में समूह में रहते हैं। इन प्रवालों में कई समुद्री जीव अपना घर बनाकर रहते हैं। ये प्रवाल एक कठोर खोल बनाते हैं जिसका आकार शंख की तरह होता है और उसी शंख में रहते हैं। इस खोल को छूने पर ये पत्थर जैसे कठोर होते हैं। ये मूंगे समुद्र में बहुत बड़े क्षेत्र में फैले होते हैं। इस फैली हुई श्रृंखला को ही रीफ कहते हैं। मूंगे के शंख को वैज्ञानिक भाषा में पॉलिप कहते हैं। ये प्रवाल जीव समुद्र के जल से ऊपर अपना विकास नहीं कर पाते हैं। जब मरे हुए प्रवाल की खोल और अन्य समुद्री जीव जैसे एल्मी, मोलस्क, एकाइनोड्स व सूलचर्नी, इन सब में चूने की मात्रा होती है, इन सब के एकत्र होने से प्रवाल भित्तियों का निर्माण होता है। प्रवाल जीव ज़्यादातर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और उथले पानी में पाए जाते हैं, जहाँ उनके रहने के लिए अनुकूल वातावरण होता है। ये प्रवाल कई रंगों के होते हैं, जैसे लाल, पीले, हरे, गुलाबी, नीले, सफ़ेद और भी कई रंगों के होते हैं, और इनके खोलों से बनने वाली भित्तियाँ भी कई आकार की होती हैं। प्रवाल जीव के विकास के लिए समुद्र के जल का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना अनिवार्य है। इससे कम के तापमान में ये जीव जीवित नहीं रह सकते। उष्णकटिबंध के बाहर स्थित बरमूडा द्वीप के समुद्र के जल का तापमान गल्फ स्ट्रीम गर्म समुद्री धारा की वजह से अधिक रहता है, जिससे यहाँ प्रवाल भित्तियों का निर्माण हो सका है। लेकिन अधिक व असामान्य जल का तापमान होने पर भी कभी कभी प्रवाल जीव मर जाते हैं, और जब लंबे समय तक वातावरण उनके अनुकूल नहीं रहता, तब भी ये जीवित नहीं रहते। लेकिन जब समुद्र जल का तापमान दोबारा सामान्य होता है, तो इनकी सुंदरता वापस लौट आती है। ये प्रवाल जीव ज़्यादा गहराई में भी नहीं रहते, क्योंकि समुद्र में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान भी कम होता जाता है और कैल्शियम की मात्रा भी कम हो जाती है, और ये जीव कैल्शियम को अपने भोजन के रूप में लेते हैं, इसलिए इनका विकास ज़्यादा गहराई में नहीं हो पाता है। ये समुद्र के ऊपरी सतह में पाए जाते हैं ज़्यादातर। इनका समुचित विकास समुद्र के ऊपरी सतह में और स्वच्छ साफ पानी में ही होता है। अधिक गंदे पानी में ये अपना भोजन नहीं कर पाते हैं। इसी कारण इनका विकास नदियों के मुहाने, खाड़ियों के तट के पास नहीं हो पाता। यहाँ पानी गंदा होता है इसलिए। और ये मीठे पानी में भी नहीं रहते हैं। अत्यधिक खारे पानी होने पर भी ये अपना विकास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ चूने की मात्रा कम होती है, जो प्रवाल जीवों के लिए हानिकारक होता है। इनके विकास के लिए समुद्र के जल की औसत लवणता 27% से 40% तक होना अच्छा माना जाता है। अब जानते हैं प्रवाल भित्तियों के प्रकार के बारे में। प्रवाल भित्तियों को उनके आकार व उत्पत्ति के आधार पर तीन वर्गों में बांटा गया है। पहला, तटीय प्रवाल भित्ति, जिसे इंग्लिश में फ्रिंगिंग रीफ कहते हैं। ये प्रवाल भित्तियाँ समुद्र तट, महाद्वीपों और द्वीपों के किनारे पाई जाती हैं। ये चबूतरे की तरह होती हैं। ये भित्तियाँ जब समुद्र में ज्वार आता है तब दिखाई देती हैं। इन्हें रीफ फ्लैट भी कहते हैं।
दक्षिणी फ्लोरिडा के किनारे के पास ऐसे प्रवाल भित्तियाँ काफ़ी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। दूसरा है प्रवाल रोधिकाएँ, जिसे बैरियर रीफ कहते हैं। इस प्रकार के शैल भित्तियाँ समुद्र के तट से थोड़ी दूर पाए जाते हैं, क्योंकि बीच में लैगून होता है जिसकी चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा होती है, जिससे इनका निर्माण तट से थोड़ा दूर होता है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल रोधिका ग्रेट बैरियर रीफ है, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित है, जिसकी लंबाई 1600 किलोमीटर से अधिक है। और तीसरा है प्रवाल द्वीपीय वलय, जिसे इंग्लिश में एटॉल कहते हैं। जिन प्रवाल भित्तियों का आकार वृत्ताकार या घोड़े की नाल के आकार का होता है, उन्हें प्रवाल द्वीपीय वलय कहते हैं। इनके अंदर की तरफ लैगून पाया जाता है और इनके बीच का भाग खुला होता है। इस लैगून में कोई द्वीप नहीं होता है। फुनाफुटी एटॉल दक्षिणी प्रशांत महासागर में है, जो प्रवाल द्वीपीय वलय का सबसे अच्छा उदाहरण है। अब जानते हैं मूंगे के उपयोग के बारे में, कि इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। इनका उपयोग ज़्यादातर ज्वेलरी बनाने में किया जाता है, क्योंकि ये कई रंगों के होते हैं और इनमें चमक बहुत होता है, जो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। इन्हें तराश कर कई प्रकार की ज्वेलरी बनाई जाती हैं, और इनका ज़्यादातर इस्तेमाल दवाई बनाने में भी किया जाता है। तो ये था कोरल रीफ से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।